Hi friends, this is Syrus from healthysyrus.com. और आज हम लोग कर रहे हैं tricep workout. Tricep workout में हम लोग कर रहे हैं skull crusher exercise. If you are really looking for a nice definition for your tricep, or if you are really looking for a nice size for your tricep, this is one of the best exercise. जैसे हम जानते हैं tricep जो है आपके bicep का 60% portion है. तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी definition मिल जाए, तो this is one of the best exercise. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जितना हमें बेनिफिट मिलना चाहिए उसका खाली 10% ही मिलता है और उसका ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता. तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे. हेल्दी साइरस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए. थैंक यू दोस्तों. सबसे पहले स्कल क्रशर में क्या होता है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और हम इस तरह से करते हैं. जैसे कि हम जानते हैं इसका नाम ही स्कल क्रशर है, इट्स नॉट आई क्रशर, राइट. सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टाइम अंडर टेंशन. आपके जो ट्राइसेप जितने अंडर टेंशन रहेंगे उतने ज़्यादा ग्रो करेंगे. तो हमारी जो स्टार्टिंग पोजिशन होगी ये वाली, देखिए अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो हमें ज़्यादा रेस्ट मिल जाएगा. जैसे ही हम अपना सेट कम्प्लीट करेंगे हमें रेस्ट मिल जाएगा यहाँ पर, और जो टेंशन है वो सारा रिलीज हो जाएगा. तो हम शुरुआती टेंशन से करेंगे, यहाँ से लेकर हम पूरा नीचे तक जाएंगे. One, two, three, four, five, six. और मैंने देखा जो ज़्यादातर लोग इसे करते हैं इस तरह से करते हैं, देखिए यस. अब हाथ की पोजिशन देखिए, आपने सेट किया और आपको रेस्ट मिल गया. तो दिस इज, मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन इससे क्या होता है आपको रेस्ट मिल जाता है, सारा टेंशन रिलीज हो जाता है. तो उसका हमें जिसका जो 100% बेनिफिट होना चाहिए उसका खाली 10% ही मिलता है. तो हमेशा शुरू याद रखिए आपको यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाथ पूरे टेंशन में हैं और बिल्कुल पीछे तक जाना है यहाँ तक, और फिर यहीं पे रखना है, अपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेच करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन जो है टाइसर में रहे. सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू डू स्कल क्रशर एक्सरसाइज. सो इस तरह से स्कल क्रशर एक्सरसाइज करनी है दोस्तों. बॉडी बिल्डिंग जो है वो टाइम अंडर टेंशन का पूरा खेल है. इस बात को जो लोग समझ जाते हैं अपनी डिज़ायर बॉडी बना लेते हैं, और जिनको समझ नहीं आता वो ज़िंदगी भर वार्म अप ही करते रह जाते हैं. तो टाइम अंडर टेंशन जितना रहेगा उतना आपको बेनिफिट रहेगा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. कीप ग्रोइंग, स्प्रेड द लव.